हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट हु इज द ऑथर ऑफ़ द बुक दैट इज द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया तो यहाँ पर हमें ये पता करना है कि फॉरेस्ट ऑफ इंडिया जो बुक है उसके ऑथर कौन है लेट्स सी सी दी एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन अगर बात हम लोग करेंगे फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में तो फॉरेस्ट ऑफ इंडिया जो है बेसिकली ये किस चीज़ पर बेस्ड है तो ये जो है डिजर्टिफिकेशन एंड डेसिकेशन पर बेस्ड है तो जो भी फॉरेस्ट हैं ये किसी न किसी कारण से आज के कंडीशंस में ये डिजर्टिफिकेशन से भी अफेक्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस डिजर्टिफिकेशन के कारण ये डेसिकेशन के अंडर भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं सो so, इसका जो पता था इसका जो की कंसेप्ट था ये कंसेप्ट किसने दिया सो डैट वॉज गिवन बाई एडवर्ड पर्सी स्टेविंग एंड इन शॉर्ट फॉर्म हम इन्हें क्या बोलते हैं ई पी स्टेबिंग तो इन्होने इस बुक को यहा लिखा था देशिकली इस बुक को कब लिखा गया था एंड दिस वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी दिस वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इकोसिस्टम इन रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो यहाँ पर ये इकोसिस्टम को भी सराउंडिंग से कही न कहीं ना कहीं रिलेट करता है तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था इसका बेसिक थीम जो था वो डिजर्टिफिकेशन भी था डेसिकेशन भी था और कहीं ना कहीं डेट वॉज रिलेट द इको सिस्टम विद द सराउंडिंग सो होपफुली हम अगर बात करेंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर के बारे में सो आवर करेक्ट आंसर डेट इज द ऑप्शन बी एंड वी कैन राइट हेयर आवर Correct answer that is the option B. So, this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.